नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण आज लाइव की 316 एपिसोड के साथ मैं एक ऐसे गुदड़ी के लाल से आपको मिलाने जा रहा हूं। एक कहते ना कि वो कहते ना कि सोने से गहना बनाना सब जानते हैं, मिट्टी से गहना बनाने की कला केवल सीएलसी को आती है। उसी श्रृंखला में आज एक मेरे पास एक परिवार आपको दिखाई दे रहा है। एक मेरी लाडली बेटी बैठी है जो एक बहुत बड़ा नाम है सीकर में, अपने आप इसकी पहचान है। आप है ज्योति कुमावत। एक बार जोरदार ताली बजाएं आपके लिए ज्योति कुमावत, जो फ्रेश पहले चांस में आप पहुंचे मौलाना आजाद। दोस्तों मौलाना आजाद पहुंचने का मतलब आप जानते हैं, आपका नीट 2020 का स्कोर है 690। पूरा परिवार आपके साथ बैठा है। ये एक श्रृंखला है सीएलसी की कि बच्चे के घर जाके हम लोग उसके साथ बात कर रहे हैं। इसके पीछे केवल एकमात्र मकसद है, ये लाइव हम सीएलसी सीकर में भी कर सकते हैं, शानदार ऑडिटोरियम बैठे कर सकते हैं। ये हम केवल यहाँ इसलिए कर रहे हैं ताकि एक आम परिवार से निकला हुआ बच्चा, आम परिवार में बैठा एक बच्चा ये सपने पाल सके, एक कॉन्फिडेंस पाल सके। जब ज्योति कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, जब ज्योति दीदी मौलाना आजाद जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं ज्योति का पूरा आपको बैकग्राउंड बताते हुए आज के लाइव को आगे बढ़ाऊंगा। वापिस जाता हूँ, आज जहाँ बैठे हैं वहाँ थोड़ी नेट की प्रॉब्लम भी है, हो सकता है चलते हुए लाइव में कोई इंटरप्शन आ जाए, तो हम इस लाइव को शूट भी कर रहे हैं, शूटिंग के बाद इसको अपलोड कर देंगे और चल रहा है लाइव ज्योति दीदी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके डियर, तो मैं सीधा ज्योति के परिचय पे आता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो बैठे हैं एक युवा बच्चे कहूंगा उनको मैं, आप प्रभुदयाल हैं, आपके फादर हिरालाल जी सैनी हैं, आपका खुद का स्कूल है यहाँ सरस्वती पब्लिक स्कूल, एक बहुत अच्छा स्कूल है। आप प्रभुदयाल भी सीएलसी पढ़े हैं, आपके फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, 2009 में आपके स्कूल के प्रोग्राम आया था। मैं ज्योति ने हिरालाल भाई के यहाँ से ही कहाँ से कहाँ पढ़ाई की आपने, वहाँ से क्या बात है, फर्स्ट क्लास से। मैं हिरालाल भाई के ताले बजाना चाहूंगा। एक बार ऐसे हीरे पैदा करते हो लोग, हिरालाल सैनी लोसल कस्बे में बैठे। लोसल कस्बा दोस्तों अपने आप में एक छोटा काशी, हमारे एक स्कूल चलता है सेकंड पब्लिक स्कूल्स के डायरेक्टर बड़े सर हैं, जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, जिसे बड़े सर कहते हैं, वो हमेशा कहते हैं छोटा काशी है। लोसल एक छोटा कस्बा सा है जहाँ एजुकेशन का बहुत अच्छा लेवल है। तो ज्योति हिरालाल मेरे भाई के यहाँ पढ़ी LKG से लेके 10th तक, 10th का स्कोर आपका रहा 94%। क्या बात है यार, मतलब ये कहते ना कि कूद के पाँव दिखाई देते पालने में, टैलेंट प्रतिभा किसी संसाधनों की मोहताज नहीं है। उसके बाद हिरालाल भाई के कहने से, प्रभुदयाल के कहने से कि प्रभु 9 और 10 में सीएलसी मरे फाउंडेशन में आपकी गाइडेंस से आप एक प्रॉपर कोचिंग पहुंच पाए। नो डाउट आपके पास और बहुत रास्ते रहे होंगे। 94% की बच्ची को कोई भी कोचिंग अडॉप्ट करने को तैयार रहता है। ऐसे बच्चों का यदि कोई भी संस्था स्कॉलरशिप छूट करती है कोई ऐसा नहीं करता साहब, क्वालिटी है, प्रतिभा है, टैलेंट है, आप टैलेंट को सलाम करते हैं। ज्योति सीएलसी आती है 11-12 दो साल सीएलसी हॉस्टल में रहती है। क्यों बेटा, कौन सा हॉस्टल रहे आप? बाबा हॉस्टल में आप रहे 12th के साथ, 12th का स्कोर आपका 90% आया, राइट? 10th का स्कोर 94% है, 12th का स्कोर 90% है। फिर से कहना चाहता हूं, बार बार लोग कहते हैं कि फाउंडेशन में परसेंटेज डाउन होते हैं, ये अफवाहें हैं। ये जो फेलियर्स हैं, जो समाज में कुछ नहीं कर पाते उनके द्वारा चलाई अफवाहें हैं। दोस्तों इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दें, ध्यान ज्योति जैसे बच्चों की बात पर दें जो नेगेटिव बात करते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आप किस दोस्ती किससे कर लो, वो बच्चा गरीब घर का है अमीर घर का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे किसी व्यक्ति दोस्ती मत करो जो नेगेटिव बात करता हो, जो छोटी बात करता हो। मेरे गांव में कहावत है, छोटी सोच और एडी की मोच कभी आदमी को ढंग से चलने देगी नहीं। आपकी एडी मोच आ जाती है ना, आप चाहे कितने बड़े बाहुबली आप चल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आप दोस्ती करें, आप जानकारी करें तो ज्योति जैसे बच्चों से करें। तो ज्योति 10th करके जाती है, 94% आपका 10th का स्कूल का होता है, आप 11-12 फाउंडेशन करते हैं, वहां सीएलसी में रहते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं, आपका स्कोर 90% आता है। मैं मेरी बात को फिर ट्राई करता हूं कि परसेंटेज कहीं मुद्दा नहीं होता है। मैं ये 5वीं सीरीज है मेरी, फर्स्ट टाइम में गया, सबसे पहले शिवांगी ढाका फाउंडेशन सेलेक्ट होती है, उसका भाई अंकित ढाका सेलेक्ट होता है फाउंडेशन से। आगे हम गए उषा और महिमा, वो दोनों बच्चे नो डाउट 12वीं पास कर हमारे पास आती हैं। फिर हम निखिल अग्रवाल घर गए जो फाउंडेशन से है, उसकी बहन वर्षा अग्रवाल फाउंडेशन से है। तो दोस्तों ये आप देखो, फाउंडेशन का बच्चा बहुत अच्छा करता है। मैं ये नहीं कहता कि जो बच्चा बाहर से 12वीं पास करके आता है वो अच्छा नहीं करता, लेकिन फाउंडेशन का बच्चा भी अच्छा करता है। और ये सच है, जेई और नीट को पिछले कई सालों से हिंदुस्तान टॉप तो बच्चा वही करता है 12वीं के साथ होता है या फाउंडेशन से होता है। वापस पॉइंट पे आता हूं, तो 12th के साथ परसेंटेज बने और ज्योति का स्कोर भी बहुत शानदार था। 12th के साथ आपका स्कोर था नीट का 578 का, मतलब क्या है, लास्ट MBBS का एडमिशन था 580, जान जाऊंगा लाइव देखने वालों का, लास्ट एडमिशन था 580 पर, आपका स्कोर है 578। दोस्तों आप एक सामान्य परिवार की बच्ची हैं, आपके घर का व्यू देख रहे हैं,
पिता आपके बिल्कुल एक सामान्य से छोटा सा अपना बिजनेस करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। आप पांच बहन भाई हैं, चार बहनें हैं, एक भाई है, पांच बच्चों के परिवार को चलाना, वो भी एक कस्बे में। गांव में फिर भी थोड़ा इजी है, कस्बे या शहरी कल्चर में परिवार चलाना बहुत टफ होता है। निश्चित रूप से परिवार को लगा था कि हमारी बेटी बारहवीं के साथ सेट हो जाएगी। तो आप सोचो आदमी कितना टूट सा जाता है। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ, हरिवंश राय बच्चन साहब की बात कोट करना चाहता हूँ। हरिवंश राय बच्चन साहब ने एक बार अपने बेटे अमिताभ बच्चन से कहा, अमिताभ बच्चन ने कहा कि जिंदगी में बहुत संघर्ष है। बच्चन साहब ने कहा कि अमिताभ जिंदगी में संघर्ष नहीं है, जिंदगी तब तक है जब तक संघर्ष है। और उसके बाद एक बहुत प्यारी बात की बच्चन साहब ने कि अमिताभ एक बात ध्यान सुनो, आपके मन का हो जाए तो अच्छा, और आपके मन का ना हो तो और भी अच्छा। फिर से कोट कर रहा हूं, हरिवंश राय बच्चन जो बड़ा नाम है अमिताभ बच्चन से भी, पिता है अगले का भाई, एक पिता पुत्र से कहता है कि मन का हो जाए तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। अमिताभ बच्चन कहते हैं हम पिता से, बाबूजी आपकी बात मेरे समझ से परे है। तो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि अमिताभ इसका अर्थ ये कि आपके मन का हो जाए तो ठीक है, आपके मन का ना हो रहा हो तो ईश्वर के मन का हो रहा है, और ईश्वर हमसे बड़ा है, वो हम सबके परमपिता परमेश्वर है, वो भी हम कभी हमारा बुरा नहीं सोच सकते। यही बात मेरी ज्योति पे लागू हुई। कैसे लागू हुई? आपका स्कोर कितना आया? 578 2019 की नीट में। नो डाउट आप टूटे होंगे, आप इस घर की छत पे जाके रोए भी होंगे, मैं समझ सकता हूँ। आप परेशान रहे होंगे, आपने अपने माता पिता की आंखों में आंसू भी देखे होंगे, लेकिन आपको नहीं पता था, आपको नहीं पता था कि 13 सितंबर 2020 की जो नीट होगी तो आपके घर में बड़ी खुशी आएंगी। आप ना लोसल ना सीकर आप राजस्थान का एक फेम नाम हो जाएंगे। सीकर जो हब एजुकेशन का, आप वहां की टॉपर हो जाएंगी। दोस्तों आप वापस लगे, मेरा सौभाग्य है ऐसे बच्चों को मैं बुलाता हूँ, वो अच्छे विलास इज्जत रखते हैं मेरी। मैंने फोन किया आपके फादर सुखदेव जी को, मैंने कहा छोड़ जाओ छोरी ने यार, मेरी बाबा रे बाबा, अरे छोड़ जाओ छोरी ने, मेरी छोरी है, मेरी गोद है। आप छोड़ के फिर आप हॉस्टल में आए, दोस्तों चलता रहा सब कुछ। 20 मार्च को लॉकडाउन लग गया, 20 मार्च 2020 को आप घर आए, घर में आप देख रहे पढ़ाई का वातावरण इतना बन नहीं पा रहा था, बहुत परेशान रहे। फिर मैंने फोन किया, वापस हॉस्टल में बुलाया, फिर दोस्तों आप हॉस्टल मेरे साथ वापस रहे, और आपका स्कोर सब जानते हैं नीट 2020 में आपका स्कोर है 690 नंबर, एक अल्टीमेट स्कोर होता है। 720 का पेपर होता था, हेलो देखने वाले जो नहीं जानते नीट को, पेपर 720 नंबर का है, आपका स्कोर 690 नंबर है। एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होता है, गलत हो तो 5 नंबर का होता है, मात्र 6 क्वेश्चन 180 में से, आउट ऑफ 180 केवल 6 क्वेश्चन आपने गलत किए। आप 690 पे हैं, आप मौलाना आजाद कॉलेज में है जो इंडिया की टॉप 3 कॉलेज, मतलब पहले 3 में आती है। थोड़ा दर्द भी है, थोड़ा दुख भी है, मेरी छोरी के 2 क्वेश्चन और सही होते हैं तो एम्स दिल्ली पहुंच जाती है। आदमी का लालच खत्म नहीं होता है। बाकी मौलाना आजाद, लेडी हार्डिंग, दिल्ली एम्स, ये सारी कॉलेजेस अपने आप में बहुत अच्छी कॉलेजेस हैं। तो ये मेरी ज्योति का इंट्रोडक्शन रहा। तो इस इंट्रोडक्शन से मैं 3 बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों कभी आपका रिजल्ट आपके मन मुताबिक ना आए, कभी आपका रिजल्ट आपकी पसंद का ना आए तो प्लीज निराश ना हो। वो कहते ना अपने मुंह को लटका के मत बैठो यार, पता नहीं कितने लोग हैं जो आपकी शक्ल देखना खाते होंगे, और उसमें आपके माँ बाप जरूर होते हैं। मैं एक जो औलाद से कहना चाहता हूं, बच्चों से कहना चाहता हूं, कभी अपना मुंह मत लटकाओ, क्योंकि तुम्हारे मुंह लटकाने से वो दुखी होते हैं दोस्तों जिनको पेरेंट्स कहते हैं, जिनके मम्मी पापा कहते हैं। इसलिए प्लीज हर समस्या का सामना करो, संघर्ष करो, स्ट्रगल करो। दूसरी बात यह कि बोर्ड के परसेंटेज फाउंडेशन के साथ बनते हैं, आप सिलेक्ट भी होते हैं। फिर एक बात कही मैंने कि आप दोस्ती करें अच्छे से बच्चे से करें। मैं यहां सोनिया नाम की लड़की का नाम जरूर कोट करना चाहूंगा, ज्योति की बहुत अच्छी फ्रेंड लड़की है, सुल्ताना है चिड़ावा के पास, झुंझुनू जिले में चिड़ावा है, चिड़ावा के पास सुल्ताना है, वहां की लड़की है दोस्तों, उसका स्कोर भी। और खास बात है ज्योति ने 578 से बढ़ा के 690 किया। दोस्तों 578 के ऊपर 690 बढ़ाना बड़ा स्कोर है। सोनिया मैं कहता हूं लाइव से, हो सकता है ज्योति ना कहे, सोनिया जो SMS में है, सोनिया का सिलेक्शन होने में 90% नहीं 100% रोल ज्योति का, उसने बहन के लिए रखा, दोस्त के लिए रखा, और लॉकडाउन से तेरे घर रही थी वो लॉकडाउन में सुल्ताना की बच्ची थी, वो भी बहुत सामान्य से परिवार की बच्ची है, वो भी इसके घर रही थी, दोनों ही हॉस्टल में आ गई थी। उसका स्कोर था 2019 में 535, वो 535 से बढ़ के 558 पे गई। दोनों लड़कियों ने 100-125 नंबर बढ़ाए। दोस्तों कहना बहुत आसान है, जी बनाना बहुत आसान है, बिना डी की होती है, करके दिखाना पड़ता है, इन्होंने करके दिखाया। इसलिए दोनों की दोस्ती के लिए एक बार बताया, दोस्ती हो तो ज्योति सोने जैसी हो। और मैं तो इसको कई बार कहता भी था, मैंने कहा छोरी तू एक लिया कर, इसको मैंने कैंप में डांटा था, वो सोनिया नहीं बोलते इसको, मैं चिंता मत, आज भी याद है, इसने कहा वो चिंता मत करो, सोनिया को मेरे साथ खर्च के ले जाऊंगी। ये मिसाल है मेरे लिए, और मैं कहता हूं कि कोचिंग इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम बच्चे हैं दोस्ती मिले मेरे को जिसने अपने फ्रेंड को भी खींच लिया, 535 से उठा के 650 660 पे ले गई, आज वो SMS में है।
स्कोर क्या है कोई मुद्दा नहीं है, वो राजस्थान की सबसे श्रेष्ठ कॉलेज में है, SMS में है। तो दोस्तों ये दोस्ती की मिसाल होती है। अब परिवार का परिचय कराऊं, ज्योति की बड़ी बहन आरती है, आरती मतलब खड़े हो जा पड़ेगा खड़े हो गए आरती है, थैंक यू बड़े बड़े। ये आप BA कर रहे हैं, आपके भाई दीपक है जो एयरफोर्स सेलेक्ट हो चुके हैं, बेटा क्यों एयरफोर्स सेलेक्ट हो चुके हैं, फिर हमारी बेटी ज्योति है, फिर मधु है खड़े बेटा जो अभी CLC पढ़ रही है, 12th फाउंडेशन में है, जो हॉस्टल में थी लॉकडाउन खराई हुई है, इसको वापस CLC के लिए बुलाएंगे, अभी 2021 की प्लेयर बैठे। और थर्ड अगली बच्ची है वंदना जो 8th में है, जो आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, वो कहा अभी वो खेल रही है, चलो छोटा बच्चा वो खेल रही है। तो ये वंदना देखो परिवार का विश्वास देखो, ज्योति दास स्कूल में पढ़ी, उसी स्कूल हीरालाल भाई के स्कूल में हमारे प्रभुजाल हमारे बेटा स्कूल संभालता है, अभी नए नए बच्चे डायरेक्टर बन गए हमारे, तो हमारे पिताओं का वजन, मेरे बेटे साहिल ने मेरा वजन कम किया, ये पूरे परिवार का परिचय रहा। अब मैं बिल्कुल दोस्तों सीधा सीधा चाहता हूँ कि ज्योति क्या लाइव चल रहा हमारा, देखो दोस्तों मन से कोई काम किया जाए ना, मेरी माँ की बात कहती है मन से करो तो बरकत होती है, और डॉक्टर कुमार विश्वास की लाइन है कि दोस्तों कोई चीज को मन से करो ना तो पूरी साथ देती है, कायनात साथ देती है, पूरी ऊर्जा आपका साथ देती है। तो ये एक ज्योति का परिचय था। अब मैं ज्योति पे आने से पहले, ज्योति तो हम आज हमारा मूल है, आज हमारी वो कहते हैं रोल मॉडल है इस लाइव की, और बहुत बड़ी चीज, मैं एक बार चाहूंगा कि इस लाइव को आप कैमरा खोलने पड़े, एक बार मैं आपको ज्योति का घर दिखाना चाहता हूँ पूरा, कि दोस्तों कुछ लोग कई बार संसाधनों में रोते हैं, मेरे रूम में AC नहीं है, मेरे रूम में ये नहीं, ये ज्योति का घर है जहाँ बैठे हैं। आप पीछे देखें ये आपके दो रूम है, और आप पीछे देखें दो रूम है, आपका किचन है, ये आपका घर है, पीछे बिल्कुल आप देखें हमारी गाय का बिल्कुल पछड़ा बना हुआ देखो, और जहाँ से हम लाइव कर रहे हैं ना वो इतनी पवित्र जगह, गाय का ठाण है, मतलब गाय का ठाण जानते हो, गाय जहाँ बांधी जाती है, कोई पूछो नहीं पता, गाय जहाँ बांधी जाती है गाय के ठाण में से खड़े होके आप इस तरह पाए, इस तरह पाके बहुत तसल्ली से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो, आप गाय का ठाण दिखाएं। देखो हम गाय के ठाण में से खड़े होकर लाइव कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है, इसलिए बोलते दोस्तों की झोपड़ी में बैठी खोपड़िया कहता नहीं है, CLC कहती नहीं है, दीवार पे लिखी भी नाम का, दीवार पे लिखी भी चीज और किसी प्रोस्पेक्ट में छापी भी चीज का नाम सफलता नहीं है, CLC कहती है उसको जीती है दोस्तों। ये झोपड़ी में बैठी खोपड़ी 690 मोदरा आजाद, लोग तरस जाते हैं साहब, जहां प्राइवेट कॉलेजों की डोनेशन 60-60 लाख रुपए है, वहां मेरी बेटी हिंदुस्तान के 3rd नंबर के कॉलेज पे, सेकंड कह सकता हूँ, टॉप 5 पे कह सकता हूँ, वहां पढ़ रहे हैं। ये घर आप शायद, मैं थोड़ा सा पर्सनल भी बात करना चाहूंगा ज्योति से, पहले पूछ बेटा आप लास्ट लॉकडाउन में कहाँ पढ़ाई करते थे? मतलब आप देखो अपने मौसी के घर जाके, हमारे डबल स्टोरी बिल्डिंग होती है ना, तो ऊपर जो मकान उसको हमारे माड़िया बोलते हैं, चौबारा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो चौबारे में बैठ के आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप शायद मैंने आपको उड़ा दिया था, आप वैन लेके गए थे, बाप बेटे ना मुझे आज भी याद है, फिर वापस भाग के भी आए थे एक बार, फिर लॉकडाउन में गई, फिर मन नहीं लगा, हॉस्टल बच्चे ने वापस भाग के आई, क्योंकि बच्चे थे नहीं हॉस्टल में, कोई एक बच्ची थी वो मास्ता वाली जो लॉकडाउन अटक गई थी अपने लास्ट टाइम हमारे पास, आप CLC कहती नहीं है, 20 मार्च से लेके मई तक केवल एक बेटी थी मेरे पास मास्ता की, वो अटक गई थी, उसके फादर ने कहा श्रवण जी मेरी बच्ची सुरक्षित है, मेरी बच्ची आपके पास, मेरे लिए बहुत बड़े बात थी। वो दोस्तों 1000 बच्चों की सुरक्षा करना बड़ा मुद्दा नहीं होता, सारे लोग होते हैं, किसी एक बच्ची का, एक बच्ची केयर करने में बहुत जिम्मेदारी काम होता है, तो मेरी फुल टीम पे मुझे बड़ा विश्वास था कि बच्चे हमारे पास कोई टेंशन नहीं है, तो बच्ची आज भी वो कई बार कहती है कि उस समय बॉस आपने वही रोल निभाया जो पिता रोल निभाते हैं। ये आज इस ज्योति का परिचय था, एक परिवार आपको दिखाया ये कहां से कहां पहुंचे। अब मैं सीधा माइक ले चलता हूं ज्योति के भाई के पास, दीपक को जो एयरफोर्स सेलेक्ट है, वो क्या कहना चाहते हैं बहन के बारे में, प्लीज अपनी बात को रखें दीपक। नमस्कार सर, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे घर पे, और वैसे मैं भी CLC कौटिल्य के अंदर IIT की कोचिंग किया था। कौटिल्य भी हमारे कोचिंग बता दूं मैं, कौटिल्य मेरे साडू हैं शंकर जी बगड़िया नव जी उनके, कौटिल्य हमारे संस्था हमारे पार्ट है, मेरे परिवार का पार्ट ही है। तो सर वहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था तब 10th का रिजल्ट आया ज्योति का, तब पापा ने पूछा कि क्या करना चाहिए इसको, तो मेरे को पता था कि इससे पहले इसका स्कोप पूछ ली कि कौन सा स्कोप में जाना है इसको, कि IIT में जाना है या इसको बायो लेनी है, तो फिर इसका थोड़ा बायो की तरफ रुझान ज़्यादा था, तो फिर मैंने कहा कि CLC बायो के सेक्टर में और हर सेक्टर के अंदर CLC सीकर में बेस्ट है, आप CLC में कुछ एडमिशन लो, और साथ में हमारे डायरेक्टर सर थे सरस्वती स्कूल के, उन्होंने उसी और अग्रसर किया, तो सर फिर जब मैं भी CLC में ज्योति की मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी बार आया करता था, तब वहाँ पर जाके मेरे को बस ये सा लगा कि वहाँ के हॉस्टल की फैसिलिटीज़ और वहाँ की जो बच्चियों के प्रति जो सिक्योरिटी है
वो सबसे बेस्ट है। और सीएलसी नो डाउट पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट कोचिंग है, और हमारा जो एक्सपीरियंस सीएलसी के साथ रहा वो भी शानदार है। थैंक यू। मैं कहना चाहता हूँ, देखो आप दीपक, देखो मैं कहना चाहता हूँ बात बोलकर जी, दीपक जब सीकर में तैयारी कर रहे थे, आपकी उम्र थी 17-19 के बीच, तो 17-19 साल का बच्चा बहुत मेच्योर होता है, बहुत उदंड सा भी होता है, उसको पता है कि बाहर अच्छा बुराई क्या है। कई बार 50 साल के व्यक्ति पता नहीं चलता कि बाहर अच्छा बुराई क्या है, ये बच्चों को पता है किस इंस्टीट्यूट में। तो आप सोचो कि एक लड़का सीकर की में एक अन्य कोचिंग में तैयारी करता है, फिर वो अपनी सिस्टर को सीएलसी भेजता है, इसका मतलब उसने पूरा मार्केट जज किया है, उसने सब कुछ देखा है, उसके बाद भेजा सीएलसी का। मैं चाहूंगा हमारे बालक प्रभुजाल जो मेरे मित्र बच्चे हिराज के बेटे हैं, आप भी 8 से 10-2 साल सीएलसी में रहे थे फाउंडेशन में, फिर आपके पापा स्कूल में आप हाथ बटवाते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं बेटा जी प्लीज प्रभुजाल। सबसे पहले तो मैं लोसल की धरती पे और आने के लिए बॉस का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं ये कहना चाहता हूँ बॉस की, मैं 2008 से 10 तक जो है 11th और 12th मैंने फाउंडेशन के साथ में सीएलसी से की थी, उसके बाद में मेरा लगाव जो है आपके साथ हो गया था, और उसके बाद मैं बीटेक करके प्राइवेट कॉलेज से और फिर मैं स्कूल में काम करने लग गया। जब मैं 2015 से काम कर रहा था स्कूल में, तब ज्योति हमारी स्टूडेंट थी, वो पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक हमारे साथ में स्कूल में पढ़ी थी। जब 10वीं का इसका रिजल्ट आया तो इतना शानदार रिजल्ट आया कि इसके नंबर जो थे वो वास्तव में देखने लायक थे, 94.50, और इसके 4 सब्जेक्टों में 98 थे, क्या बात, और केवल 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें 84 और 89 थे। हाँ, वो अगर गड़बड़ नहीं होता तो ये राजस्थान टॉप करती, लेकिन वो कोई बात नहीं। फिर उसने बोला कि मैं क्या करूँ, तो ये राय थी कि भाई मेडिकल में जाना है। फिर मेरे पापा ने ये कहा कि चलो आप इंजीनियरिंग का रुझान छोड़ो, थोड़े आप मेडिकल की ओर पढ़ो, तो उनकी इच्छा थी एक दो डॉक्टर और बन जाए, तो इसको पहले सीएचसी भेजा, फिर एक दिन रह के ये वापस आ गई कि मैं नहीं जा सकती, मेरे करीब जो है पारिवारिक प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम ने हमने इसको सहयोग किया और बहुत से बात की और सारी का उसका समाधान करके फिर इसको वहाँ हॉस्टल में एडमिशन करवा के 2 साल ये तैयारी की। 2 साल के बाद में इसका जब स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो हमने इसको यही कहा कि बार बार जब जैसा बॉस कहते हैं वैसा ही आपको करना है, क्योंकि हमसे ज़्यादा बॉस जानते हैं इस मामले में, और बॉस पे इसने पूरा विश्वास किया, सीएलसी पे इस पर पूरा विश्वास किया, जिसकी बदौलत आज इसकी टॉप रैंक इंडिया में है और ये मौलाना मेडिकल कॉलेज में है। इसके लिए मैं इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद। इसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इसका 10वीं का स्कोर अच्छा आया 94.50 था, तो इसकी जो सिस्टर थी छोटी मधु कुमावत, इसको इतना टैलेंट नहीं था, लेकिन जब इसके नंबर आने के बाद में इसने इसको दे के इतनी मेहनत की कि इसका जब इसका अगले साल रिजल्ट आया 2 साल बाद में, तो इसका भी 91% इसके आए थे, जो भी एक इसकी देखने के बाद में इसने इतना स्कोर किया था, ये भी एक काबिलियत तारीफ है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि एक लाइन जब मैं पढ़ता था वहाँ से, तब मैंने ये देखता था कि सीएलसी का सपना हर गाँव से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना, ये लाइन मेरे दिमाग में आज भी वो बसी हुई है, और वो बात मैं हमेशा ये ज़िंदगी में देखता हूँ कि एकदम सही बात है। जो लाइन आपने बॉस ने उठाई थी वो वास्तव में काबिलियत तारीफ है, मैं इसके लिए ज़ोरदार तालियां बजवाना चाहता हूँ। और मैं यही करना चाहता हूँ, ज्योति जैसे विद्यार्थी सामान्य छोटे से कस्बे से अगर डॉक्टर बनती है और वो भी टॉप रैंकर्स में, तो आपको और हमको सीएलसी पे पूरा भरोसा करना चाहिए। और आज बॉस इसके घर पे आए, हमको बुलाए, इसके लिए बॉस को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल भाई। एक देखो 90 तो इसका मतलब मधु खुद ज्योति खुद डॉक्टर बनी, आपने डॉक्टर तो सोनिया को बनाया और मधु बन जाएगी, मैं पूरा विश्वास है। तो आपने एक नहीं, आपने 2 डॉक्टर और बना लिए, जो शुक्रवार के जो छोटी वंदना है डॉक्टर भी बन जाएगी पक्का, आप तो आपकी लाइन लग जाएगी पीछे, तो 2 बड़े वाले पहले पैदा नहीं हुए, पहले होते थे, सबको डॉक्टर बना देती है, ये फर्क पड़ता भाई साहब। तो अब मैं चाहूंगा कि ज्योति के पिता हमारे सुखदेव राम जी भाई बात रखे। ज्योति पिता, सबसे पहले तो मैं बहुत ही गदगद हो रहा हूँ कि एक शिक्षा के जो उच्च कोटि की जो शिक्षा है उसके जो एक दाता है मानो, तो हमारे एक छोटे से घर में आज चरण डाल रहे हैं, तो मैं आभारी हूँ। मेरा भाव ये है कि एक ही सोना होता है वो 23
23 ग्रेड 24 ग्रेड का जितना जिस हिसाब से वो होता है, चलो वो तो होता है, लेकिन अगर वो सोना अगर किसी के गले में 1 किलो का लटका दे तो वो कोई भी कहेगा कि ये तो सोना सही नहीं है। और वही सोना अगर एक चतुर कारीगर जो उसको कढ़ाई करता है उसके पास में पहुंच जाता है तो वाकई में ही इतने अच्छे सुंदर आभूषण वो बना देते हैं और वो एक प्रिय धातु के हिसाब से एक सुंदर बन जाता है। तो मेरा एक ध्यान ये है कि सबसे पहले अगर हमारा जो चुनाव है वो एक संस्था के हिसाब से चुनाव होना चाहिए। एक वाक्य में अगर जैसे मानो कि जो पैसे होते हैं, जो पैसे होते हैं उनके बच्चे तो चलो आराम से वो पढ़ा देते हैं, उनके पास में पैसे हैं, लेकिन अगर जिसके पास में पैसे नहीं है और गरीबों के कई बच्चे ऐसे होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं तो अब उनको पढ़ाने के लिए तो केवल जैसे हीरालाल जी जैसे टीचर होना और हमारे साहब बोस CLC, क्योंकि CLC की जितनी तारीफ करें वो बहुत ही कम है, क्योंकि CLC का पहले नाम सुनता था मैं और ये जो प्रोग्राम जैसे टेलीविज़न में भी आया करता था जो सीक्रेट चैनल था, और ये हमारा बच्चा है ये कोई प्रति खोज, ये कोई परीक्षा होती है प्रतिभा खोज, तो वो प्रतिभा खोज एक परीक्षा बच्चे ने दीपक जी ने लगाई, तो अभी दीपक जी का वो 40 रैंक कितनी तो पता नहीं मेरे को, इस हिसाब से रैंक आई थी। अब दीपक जी अब वो मेडल लाकर देते हैं कि बोले CLC ऐसी एक संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है। अब मेरा थोड़ा ध्यान हुआ कि चलो दीपक जी तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन ज्योति जी को वहाँ पढ़ाएंगे। अब होता क्या है कि उसका रिजल्ट अच्छा आ गया, वैसे तो ये बच्ची पहली क्लास से पहला स्थान, वो तो खैर बिल्कुल सब बात पूरा ठेक 9वीं तक 10वीं तक किसी को नहीं दिया, लेकिन इनकी एक मैं तारीफ कर रहा हूँ कि वाकई में अगर सर हो तो ऐसा होना चाहिए हीरालाल जी जैसे, क्या बात तो मेरा भाई हीरालाल देख रहा हो तो भाई हाँ। ये इसको बोलते तारीफ, क्योंकि हीरालाल जी जैसे व्यक्ति मैंने आज तक ही पहले नंबर यहाँ से जो धीरे से शुरुआत होते हैं वो हीरालाल जी, और अगर जो मेडिकल और जो IIT है उसके अगर बात उसकी बात करें तो हमारे बॉस शायद मेरे हिसाब से ऐसे बंदे होते हैं तो गरीबों के बच्चे आगे बढ़ेंगे और इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे और भी कुछ बनेंगे। नहीं 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 बिल्कुल आप निस्पीकर रहे हैं। देखो मैं एक बात करना चाहता हूँ, इस लाइव को जो भी लोग देख रहे हैं, ये कोई पार्ट ऑफ मार्केटिंग नहीं है। किसी भी गांव में कोई गुदड़ी का लाल बैठा हो, कोई बच्चा वास्तव में, मैं जरूरतमंद कहता हूं गरीब कोई नहीं होता है, हो सकता है कि कोई, लेकिन भाव सही होना चाहिए। मैं एक अक्सर बात कहता हूं सुखदेव जी, मैं लाइव देख रहा हूं सुन लो, आप जिस भाव से घर से चलोगे ना तो CLC में बैठा श्रवण वैसा मिलेगा। आप वहां से कुछ लोग चलते हैं कि जाके हमें कोचिंग वाले को बावड़ा बनाना है तो बावड़ा हमने आके बावड़ा बनता है, और ये सोच के चलो कि यार वहाँ हमारा कोई भाई बैठा है हम जाके हमारी बात रखेंगे तो फिर आपको वहाँ सेव मिलता है और सिलेक्शन भी होता है। आज आप जो बार बार एक बात कह रहे हो ना सुखदेव जी, मेरी बात याद रखना, आरती आपकी बेटी ग्रेजुएट है, मैं आरती आपसे भी करना चाहता हूँ, आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। दीपक आप एयरपोर्ट ज्वाइन कर चुके, ज्योति हो गई है, मधु सेलेक्ट होगी पक्का, वंदना आपकी तीनों बेटियाँ, मैं आज कह के जा रहा हूँ ज्योति मधु वंदना तीनों पे डॉक्टर बनेगी, मेरा वादा आपसे पूरे 100% बनेगी। ये बिल्कुल क्योंकि आपके बच्चों में टैलेंट है, बिल्कुल बनेगी आपकी, बात ही नहीं है। तो आपके कुछ सालों बाद आप तीन डॉक्टर बेटियों के बाप होंगे, मैं आपको लिख के देके जा रहा हूँ, वो आपकी की कृपा होगी सर। नहीं नहीं वो आपके आपके क्वालिटी है, आपके संस्कार है, आपके पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कर्म है, कितने अच्छे बच्चे आपको भगवान ने दिए हैं। अच्छी बात है, वो बात आपकी बात सही है, लेकिन इसमें हर एक यही है कि जो आपका सहयोग रहेगा अगर कृपा रहेगी तो नहीं, CLC हमेशा आपके साथ ही साथ है, साथ रहेगी, क्योंकि CLC ये मैं तहे दिल से कहता हूँ
कि वाकई में अगर संस्था हो तो सीएलसी जैसी, और सीएलसी एक ही माँ है। थैंक यू। देखो ये है, इसके लिए बोलते हैं दे सीएलसी। और आखिरी में शायद मेरे हिसाब से कोई भी अगर मेरे भाई इस लाइव को देख रहे हैं, मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि माँ बच्ची की परवरिश इतनी नहीं कर सकती है जितनी सीएलसी करती है। अरे क्या, थैंक यू। अब मैं सीधा ज्योति में लेके आता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, लाइव इंटरप्ट हो सकता है, जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ नेट की दिक्कत है। यदि लाइव में कोई इंटरप्शन है तो दोस्तों इसको हम शूट भी कर रहे हैं, इसको हम रीअपलोड भी कर देंगे, और सही चल रहा है तो कोई दिक्कत लाइव के बाद ही पता लगे उस बात का, यूट्यूब फेसबुक दोनों पे। अब मैं चाहता हूँ कि आज के रोल मॉडल को, आज के हमारे इस लाइव के सबसे मूल व्यक्ति को, हमारी ज्योति को लेकर चाहता हूँ एक बार फिर ताली बजाए। उसको 10th का स्कोर 94%, 12th का स्कोर 91% विद फाउंडेशन, 12वीं के साथ आपका स्कोर 578, जहाँ 580 पॉइंट मिलता है, फिर 578 से बढ़ाकर आप 690 पे जाते हैं। अब मोहन आजाद में है ज्योति। हाँ बेटा, अब माइक आपका लगा हुआ, आप प्लीज बेटा अपनी बात रखें बहुत जोश के साथ, बहुत अच्छे से, ताकि प्रेरणा मिले। अभी तेरी बहुत सी फ्रेंड ऐसी भी होंगी जो तैयारी भी करें, उनको भी मोटिवेट करें, और आप उनको भी करें जो इस साल लगे हुए जूनियर आपके। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि मेरा सपना सच हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसे सोचती थी जब मैं पढ़ती थी कि ना मेरे मतलब बॉस मेरे घर पे आए और मैं सिलेक्ट हूँ और मेरा भी इस तरीके से कुछ वीडियो वगैरह बने। आज ये सच हो गया है, तो मेरे से ज्यादा खुशी आज कोई नहीं है। और मैं सबसे पहले सीएलसी मतलब कि पहले सरस्वती स्कूल में पढ़ी थी 10th क्लास तक, फिर मेरे 94.50 नंबर आए थे, और फिर मैं मतलब सर, मेरे डायरेक्टर सर हीरालाल जी सैनी ने मुझे गाइड किया कि आप सीएलसी जाओ, आप पक्का, मेरे को पूरा विश्वास है कि आप राजस्थान में या फिर मान लो कि इंडिया में आप नाम रोशन करोगे। उनको पहले से विश्वास था। फिर मैं सीएलसी गई, मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ, मैं बाबा फर्स्ट हॉस्टल में रही पहले, तो फिर वहाँ पे मैंने 11th की, 12th में मेरे को बॉस जानने लग गए थे, मेरे नंबर ठीक ठाक आने लग गए थे, ठीक नहीं बढ़िया लग गए थे। तो फिर बाद में रिजल्ट आया, फिर उसमें मेरे 596 बने थे पहले, लेकिन उसमें आंसर की में कुछ करेक्शन होने की वजह से मेरे फिर 578 रह गए थे। तो पहले तो रिजल्ट जब आंसर की आई थी ना, तब 596 ही थे मेरे, लेकिन बाद में लास्ट में एक और आंसर की आई थी, उसमें मेरे 578 आए। तो इससे बड़ी मतलब दुखदायी कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए कि मैं 3 महीने तक या 1-2 महीने, मान लो कि मैंने परीक्षा दिया है, 1 महीने का उसमें गैप हुआ, फिर उसमें उस तक मैं ऐसे सोच रही थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं कपड़े खरीद लूँ, मैं चली जाऊँगी कॉलेज, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लास्ट टाइम पर एंड पॉइंट पर जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन आंसर की आई थी, और उसी दिन मेरा सारे सपने, मेरे सारे सपने टूट गए थे। फिर क्या कर सकते हैं, रो सकते हैं और क्या कर सकते हैं। फिर मेरे पापा भी मतलब मैं अगर रोऊंगी तो घर वाले कैसे रह सकते हैं ऐसे सही ढंग से। और एक बात ये कहना चाहती हूँ कि घर वाले और आपके गुरु, उनके अलावा बाकी के कोई भी लोग हैं तो वो आपकी असफलता को देखकर खुश होंगे, लेकिन घर वाले और गुरु कभी भी खुश नहीं हो सकते आपकी असफलता को देखकर। तो फिर जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर बाद में पापा ने ऐसे बोला, मतलब मैं तो ऐसे सोच रही थी कि मैं अकेली तो हूँ नहीं घर में, मेरे 5 भाई बहन हैं, मेरा भाई भी है मेरा बड़ा, मेरी दीदी भी है, उसकी शादी करनी है, और अगर मैं ही अकेली लगाती रहूँगी सारे पैसे तो बाकी का क्या होगा। लेकिन पापा के विचार ये बिल्कुल भी नहीं थे, उन्होंने उस दिन ही कह दिया था कि मैं तेरे को वापस से करवाऊँगा, तू वापस से करना। फिर थोड़ा हिम्मत बढ़ी, उसके बाद में बॉस का कॉल आया, उन्होंने बोला कि आप छोड़ के चले जाओ इसको कोचिंग, और फिर ये ना तैयारी कर लेगी अच्छे से, और इस अब की बार ये टॉप करेगी। तो फिर मेरे पापा गए सीएलसी, मुझे छोड़ा, अब की बार मैं जीन माता फर्स्ट कॉलेज हॉस्टल में मतलब रहने लग गई थी, और वहाँ पे मतलब बॉस का मोटिवेशन इतना रहा कि मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आने लग गए थे।
जो पहले कम आया करते थे 500 या 600 से नीचे नीचे आया करते थे, फिर वो मेरे 600 से नीचे कभी आए नहीं, मेरे 680 50 ऐसे कुछ करके आने लगे। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मतलब मैं कर लूँगी, अच्छे मार्क्स आएंगे। और मेरी मैम तो मतलब हॉस्टल वार्डन तो ऐसे भी बोलते थे, जब भी मैं कहीं पर भी दिख जाऊँ, चाहे मैं मैथ्स में दिख जाओ, मैं कहीं पर मतलब कभी कभी कैंप भी चले जाया करती थी तो वहीं पर दिख जाओ, किधर भी वो आके बस ऐसे बोलती थी, एक ही सारा करती थी ऐसे कि तेरे को फर्स्ट रैंक लानी है। इससे ये ऐसा होता है कि मतलब फर्स्ट रैंक मान लो नहीं आई, मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक नहीं आई, लेकिन कम से कम उस जब जितना आप सोचोगे उसके थोड़ा सा ही नीचे आओगे। ऐसे नहीं है कि आप सोचो ही मत तो आप इतने पर आओगे, और अगर आप कुछ ना कुछ सोचोगे तो इतने पर तो आओगे ही आओगे। तो मतलब वार्डन मैम भी बहुत अच्छी है, और मेस के खाने के अगर मैं कहूँ तो आप ऐसे सोचो कि घर जैसा मतलब मम्मी जैसा खाना तो कोई ही बना सकता, लेकिन आप खाओगे तो बीमार नहीं होगे कभी भी। आप अगर बाहर का खाओगे तो बीमार हो जाओगे। मैं ऐसे सोचती हूँ कि मेरे को मतलब सब खाना जच जाता है, लेकिन मैं जब मौलाना आजाद में गई तो वहाँ पे मैंने उधर उधर का खा लिया तो मैं बीमार हो गई, लेकिन सीएलसी के खाने से मैं एक बार भी बीमार नहीं हुई। तो आप खाने को कुछ नहीं कह सकते, आपको खाना है लेकिन आप बीमार नहीं होगे, बिल्कुल भी बीमार नहीं होगे, और आप आराम से तैयारी करते रहोगे। तो फिर मैं मतलब कि टारगेट में थी, पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया। इस कोरोना की वजह से मेरे को आना पड़ा घर पे, लेकिन घर पे पता है कि किसी का भी पढ़ाई का माहौल नहीं होता। फिर मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ में आई थी, सोनिया, फिर हम दोनों पढ़ने लग गए थे, लेकिन मतलब सीएलसी से जुड़े होने की वजह से ही हम पढ़ रहे थे, वरना और बाकी हमारे फ्रेंड्स जो दूसरी कोचिंग्स में थे उनका पढ़ाई का इतना माहौल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बॉस जैसे उनके डायरेक्टर सर नहीं थे। बॉस हर वीर मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए उन्होंने हमारे टेस्ट लगवाए, वीडियो मैसेज वगैरह कॉल मैसेज किए उन्होंने भेजे, और रैंक हर बार रैंक बताते थे सभी की कि रैंक किसकी कितनी आई वो फ़ोन पे बताते थे। तो इसकी वजह से भी हमें ऐसे रहता था कि आज बॉस बताएंगे, आज हमारा नाम आएगा, आज नहीं आएगा, ऐसे करके कुछ बना रहता था। तभी हम टेस्ट देते थे कि हाँ टेस्ट देंगे, नाम आएगा, बॉस कॉल करेंगे, सब अपन को जानेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है ना, तब पढ़ाई का भी माहौल बनता रहता है। फिर ऐसे करते करते परीक्षा मतलब एक बार मैं यहाँ पर मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, मतलब पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही थी, कम हो रही थी, बहुत ही कम। तो मैं सीएलसी चली गई। सीएलसी में जाने के बाद मैं एक दो दिन में वहाँ पर रही, लेकिन वहाँ पर उस एक लड़की के अलावा और कोई नहीं थे, तो इसकी वजह से मैं वापस से आ गई थी घर पे। फिर वापस से लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा रोल ऐसे रहा कि जब तक मैं आराम से घबरा मत, बिल्कुल बहुत शानदार बोल रही, तो तेरा बोलना बहुत बड़ी प्रेरणा लोगों के लिए। आप भी कंटिन्यू कि मैं ऐसे बोल रही थी कि जब मैं वहां पर गई थी तो मैं वापस से आ गई थी दो दिन रह के। फिर बाद में जैसे पता लगा कि अब 13 सितंबर को एग्जाम होना है, तो फिर मैं तब होना है तो उससे 20 दिन पहले बॉस ने हमें सभी को मतलब जो लगभग टॉपर्स थे उन सभी को सीएलसी बुलाया था, और वो सबसे ज्यादा मेरे लिए बेनिफिट रहा, क्योंकि यहाँ पर घर पर मेरी कुछ पढ़ाई इतनी हो नहीं रही थी कि मैं कह सकूं कि मैं अच्छी डॉक्टर बन जाऊंगी। उससे पहले जब मैं कोचिंग में रह रही थी तब मैं सोच रही थी कि मैं टॉपर बनूंगी, जब यहाँ पर रह रही थी तो मैं सोच रही थी कि बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। जैसे ही मैं 20 दिन बाद में गई, 20 दिन वहाँ पर रही, मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की और मेरे को वापस कॉन्फिडेंस आया अपनी पढ़ाई पर कि मैं अब के बार वापस टॉप करूंगी। और बॉस का सहयोग इतना रहा कि आप मतलब जब मैं एक दिन पहले, कल मेरा एग्जाम है, आज मेरे को यहाँ से निकलना है जयपुर जाने के लिए, ठीक है। फिर मैं गई, मेरा एग्जाम जब मान लो कि मेरे को 12 बजे से एंट्री थी मेरी वहाँ पे,
तो 11 बजे मेरे को फोन आता है बॉस का कि बेटा आप पहुंच गए। मैंने कहा हाँ सर मैं पहुंच गई हूँ, पहुंचने वाली हूँ बस। तो बॉस ने बोला कि ना जब पहुंच जाओ ना तब एक बार और कॉल करना। इतनी केयरिंग कौन कर सकता है, मतलब घर वाले भी नहीं पूछते हैं कि ना आपको आपका एग्जाम अब है। घर वाले मतलब पेरेंट्स तो पूछते हैं, मतलब और नहीं पूछते कि आपका कब एग्जाम है कब नहीं है, कब आप वहाँ पर पहुँचे। फिर जैसे एग्जाम ख़त्म हुआ उसके बाद में वापस कॉल आता है कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, ठीक है। तब तक मैंने बताया कि हाँ मेरा एग्जाम ठीक हुआ है, मेरे को लगता है कि मेरे आ जाएंगे मार्क्स। फिर पानी गर्म कर लो, पानी को मैं पानी को थोड़ा गर्म कर लो, पीने थोड़ा आराम से घबरा मत। हाँ बोल, आप लोग उस पानी गर्म अपने बोतल जा गिलास खाली गिलास, तो मेरे पास गर्म पानी आप खाली थोड़ी गिलास मेरे को लो बेटा, ये रहते ये पानी मैं गर्म पानी रखता हूँ मेरे पास। आप जो बोल रहे हैं बड़ी प्रेरणा है, आपको पता नहीं आप कितने बच्चों के प्रेरणा बन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। देखो दोस्तों बिल्कुल एक सामान्य से परिवार की बेटी पहुंचते मौला आजाद, आप एक प्रेरणा स्रोत है बच्चों के लिए। हाँ बेटा प्लीज। फिर जैसे ही बॉस ने बाद में परीक्षा के बाद में फोन किया मेरे को कि आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं, तो मैंने बोला कि 700 के पास में तो पहुंच जाएंगे। फिर बोला कि आपके कुछ सिली मिस्टेक तो नहीं होगी, मैंने बोला कि आपकी बार शायद लगता है कि मेरे को सिली मिस्टेक भी नहीं होने वाली है। फिर बाद में हमारे मतलब आंसर की आती है, हम जोड़ते हैं नंबर। इतनी खुशी होती है ना कि जब मेरे 690 मार्क्स बनते हैं, इतनी खुशी मतलब कभी नहीं होती। मेरे को पहली बार ऐसे मतलब लगा कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जब मेरे 578 मार्क्स आए थे, जितना गम हुआ था ना उससे ज़्यादा मेरे को खुशी हुई डबल। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारी असफलता हो रही है तो हम छोड़ दे पढ़ाई करना। अगर मैं छोड़ देती तो मैं टॉपर कैसे बनती, मैं सिलेक्ट कैसे होती और मेरे परिवार का क्या होता अगर मैं डॉक्टर ही नहीं बनती। उन्होंने इसको सोचकर लगाया था कि ये डॉक्टर बनेगी, और अगर मैं उसी टाइम पर कह देती कि मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी, लेकिन बॉस का गाइडेंस घर वालों का सपोर्ट इसकी वजह से मैं वापस से लगी, तो इस वजह से वो मेरे मार्क्स 690 तक आ सके। फिर रात को फिर भी ना बॉस रात तक ना उस दिन 8 बजे मान लो 10 बजे तक मेरी आंसर की आ गई, हमने जोड़ लिए, बॉस 1 बजे तक नहीं सोए, व्हाट्सएप ग्रुप पे लगे रहे और पूछते रहे कि नंबर कितने कितने आए किसी के। इतना इनको ऐसे रहता है कि किसके कितने आए किसके कितने आए। तो बॉस का सपोर्ट इतना रहा कि मतलब आप भी अगर बॉस के पास में आओगे तो सच में आप सेलेक्ट होकर ही जाओगे। मान लो कि आप सेलेक्ट नहीं भी हुए, बहुत कम चांस उसमें सेलेक्ट नहीं हुए, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके लिए बहुत ही कम चांस है कि वो सेलेक्ट नहीं होता है। अगर सेलेक्ट नहीं भी हुए तो आप और IAS अन्य चीज अन्य में चले जाओगे, क्योंकि CLC इतना अच्छा संस्कार देती है, इतना अच्छा आपका लेवल बना देती है पढ़ने का कि आप पढ़ाई के बिना रह ही नहीं सकते। आप ऐसे बैठे रहोगे बातें करते रहोगे आपको ऐसे लगेगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को पढ़ना चाहिए। तो आप कुछ भी कर लोगे, बस आपको संस्कार मिलने चाहिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। तो इससे हमें ये और एक हमारे मेरे पास में ही मेरे घर में 2 लड़कियां आई थी, उन्होंने ऐसे बोला कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम ना यूट्यूब से कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है यूट्यूब से कर रहे हो, लेकिन यूट्यूब से कर तो रहे हो आप, पेपर भी दे रहे हो। उन्होंने बोला कि पेपर तो हम नहीं दे रहे, दे भी रहे हैं लेकिन एक दो मतलब कि उसमें से कभी बायो का आता है कभी केमिस्ट्री का आता है, उससे आपकी रेगुलरिटी नहीं रहने वाली है क्योंकि 180 क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा आपको क्वेश्चन भी आ रहे कुछ मतलब नहीं है। तो मैंने उसको कहा कोचिंग पकड़, कोई सी भी पकड़, कोई ज़रूरी नहीं है कि CLC ही पकड़े, लेकिन मैं ऐसे बोलती हूँ कि कोचिंग पकड़ ही रहे हो तो CLC ही पकड़ लो, क्योंकि उसे तो मैं जानती हूँ और कितनी अच्छी है ना कि आप सेलेक्शन करवा के ही जाओगे। तो मैंने उनको कहा, तो वो अब मतलब मैं
मेरे से फोन नंबर ले रखा है उन्होंने, वो एडमिशन करवाने वाले हैं। तो इत मतलब मेरा कहना ऐसा ही है कि यूट्यूब वाला उन्हीं के लिए सक्सेसफुल होता है लगभग, कि जो टारगेट किया हुआ रहता है किसी कोचिंग के कॉन्टेक्ट में पहले से ही रहा होता है वो ही सिलेक्ट हो सकते हैं, जो फर्स्ट बार कर रहे हैं ना वो नहीं हो सकते। तो बस इतना कहना चाहती हूँ। थैंक यू ज्योति। ज्योति की बात से जो बातें सार निकली, थोड़ा सा एक जोश में आ गया बच्चा हमारा। दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी 2021 का जो प्लेयर है वो लॉकडाउन घर बैठा है। ज्योति ने अपना दर्द शेयर किया है कि यदि ये 20 दिन सीकर ना जाती तो इसके 6 टाइम्स नहीं आते। तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि अभी जो घर बैठे हैं मूव करें सीकर की ओर। आपके अपने सीएल से डीसीएम डेली कम मेजर टेस्ट लॉन्च कर रखी है, आईटी की भी कर रखी है, जेई की भी कर रखी है। लास्ट टाइम हमारे पास नहीं था गुरु नीति। आज आपके पास 180 वीडियो पड़े गुरु नीति के, आपके पास प्रीवियस पेपर के वीडियो सॉल्यूशन है, आपके पास फिजिक्स इको की टेस्ट सीरीज है, आपके पास बायोकेम के वीडियो सॉल्यूशन है। इतना सारा मैटर आपकी सीएलसी उपलब्ध करा दिया, लेकिन उसका फायदा ज्योति तभी होगा जब आप सीएलसी के साथ जुड़ेंगे, सीएलसी के स्टूडेंट बनकर जुड़ेंगे। अभी भी आप कहीं भी जारी कर रहे हैं तो अभी कहता हूं मैं, आप हमारा डीसीएम मतलब डेली कम मेजर टेस्ट आप ज्वाइन करके, चाहे आप जेई हो चाहे आप नीट हो, दोनों अपनी तैयारी को पहुंचा कर सकते हैं। उसके बाद ज्योति ने कहा कि हम 200 बच्चे पोस्ट बुलाए थे, मुझे कहते बहुत फक्र होता है, उन 200 में से ऑलमोस्ट 190 बच्चा मेरा सेलेक्ट हुआ था। और मुझे कहते बहुत खुशी होती है 96 से लेके 2020 तक सीएससी ने अपने हाईएस्ट सिलेक्शन जो दिए वो 2020 में दिए। आपने देखा होगा हमारा विज्ञापन, हमने 2019 और 2020 का रिजल्ट तैयार किया था। 1413 बच्चा मेडिकल में गया गवर्नमेंट एमबीबीएस पे, 312 बच्चा आईटीआई में गया, 1725 बेटे बेटियों को मात्र 2 साल में हमने गवर्नमेंट एमबीबीएस आईटी और एनआईटी में दिया। सीकर के एकमात्र संस्था जो मेडिकल आईटी एनआईटी तीनों बराबर काम करती है। हाँ, एक बात और करना चाहता हूँ अब तो दोस्तों, आपके अपने सीएससी सीबीएसई आरबीएससी दोनों स्कूल के प्लेटफॉर्म पे है, आप 6th क्लास से बच्चे को जोड़ सकते हैं हमारे साथ। जब भी लॉकडाउन खुल जाता है आप आए सीएलसी, विजिट करें सीएलसी। अब मैं चाहूंगा इस बात को आगे बढ़ाने से पहले बात समाप्ति की ओर ले जाएं, उसके पहले आपकी बड़ी सिस्टर जो है आरती जो ग्रेजुएट है बीए कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं बेटा अपने बहन के लिए, आप क्या ड्रीम पालती हैं? जब ज्योति को देख के बाकी लोग मोटिवेट हो रहे हैं, तेरे अंदर क्या तूफान स्टार्ट होता है इसको देख के? खड़े बोल, खड़ी होगी वो। बहुत खुश हूँ कि मेरी सिस्टर जो आज डॉक्टर बनी है और मौलाना आजाद में पहुंची है, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सीएलसी का जो जो ऐसी उसे कोचिंग मिली, और इतना ही कहना चाहता। थैंक यू आरती। मैं ज्योति की मम्मी को बधाई देना चाहता हूँ, आप भी अपने बेटी की खुशी के कुछ दो शब्द कहें। कितना पवित्र होता, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। मेरे 5 बुआ है, 3 बुआ दुनिया में नहीं, 2 बुआ जिंदा है। मेरी बुआ और मेरे पिताजी 84 पे है, मेरी बुआ वो मेरे पिताजी से बड़े हैं, 26 पे हैं। जब मैं मेरी बुआ के घर गया तो मैंने देखा कि मेरी बुआ के कमरे में केवल एक फोटो लगा हुआ था, वो मेरे पिताजी का था। 86 की मेरी बुआ जी हैं, 84 के मेरे पिताजी हैं। आप बहन के लिए दुनिया में सबसे पहला उसका भाई होता है, आपके भाई की पिटलेक्ट हो रही है। नो डाउट मैं समझ सकता हूँ कि हमारे बच्चे भी काम में काम तो बुआ को बहुत प्यार लगता है। भतीजा भतीजी, नेक्स्ट आगे चले, माइक आगे दें। आप ताई जी, आप ताई जी, आप बताएं, आप बोले, आप ज्योति की ताई जी हैं। ताई जी मतलब बड़ी माँ को बोलते हैं लोग। बड़ी माँ बोलते हैं, बहुत खुश हूँ। हमारी बेटी डॉक्टर बनी है और जय श्री बालाजी की, हमारा आशीर्वाद हमारी बेटी के साथ। क्या बात है, क्या बात है, कितना अच्छा बोलते हैं। आपको आपके देखो, एक मिनट आपको कहीं सर मासी शब्द का अर्थ पता नहीं होता है। मासी माँ जैसी, हमारे भारतीय संस्कृति में अंकल आंटी नहीं होते यहाँ पर। आप एकदम तो मासी का अर्थ आप इसको कैसे, मासी का मतलब तो माँ जैसी, हमारे सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोई समझना चाहे तो प्लीज आप बोले। थैंक यू। चलो ये नहीं बोल पाएंगे मासी जी, अब मैं चाहूंगा कि जो बेटी मधु है
आप मधु को माइक दे। मधु जो अभी 12th में 2021 की प्लेयर है, आपको कल सीकर पहुंचना, कल सीकर पहुंचना मधु। आपको आप अभी ऑनलाइन आप खड़े हो बेटा, अभी आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं। आप सीएलसीएन है मधु, सीएलसीएन है आप, 2021 की प्लेयर है आप। प्लीज मधु बोले बेटा, उन बच्चों को जो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके, आप कल आपको सीकर पहुंचना है सुखदेव जी, कल आपको इनको छोड़ के सीएलसी छोड़ दो, हॉस्टल छोड़ दो कल आके, ठीक है। आप प्लीज बोले बेटा। नमस्ते, मैं सीएससी में अभी भी 12th में फाउंडेशन कर रही हूँ और अभी सीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन, दिल्ली कंप्यूटर सीरीज, जो बहुत ही बेटर है, जिसमें मतलब कि एक दो टॉपिक देते हैं और एक दिन में आप आराम से उसको तैयार कर सकते हैं और आराम से टेस्ट देके उसको एकदम रेडी कर सकते हैं। थैंक यू। तो अब लाइव को समाप्त लेके जाते हैं, बोलते हैं 40 मिनट करीब हो गए। मैं फिर से कहता हूँ लाइव यदि हमारा इंटरप्ट रहा है तो ये वीडियो शूट हमारे पास क्यों पिंडू जी, वीडियो शूट हो रहा है, हम जाके चेक कर लाइव के बाद। एक बार मैं जिस जगह बैठा हूँ, ये ज्योति का घर है, मैं फिर से एक बार तदुपरिचय, आप ज्योति को, आपके स्टेट में कौन सी रही थी, राजस्थान स्टेट में? राजस्थान ओबीसी में मेरी फर्स्ट। आप ओबीसी टॉपर है सर, राजस्थान स्टेट की स्ट्राइकर रैंक कौन थी आपकी? नवा, आठवां, नवा कौन था? नवा। आप राजस्थान में ओवरऑल आपका नवा रैंक है स्टेट में। एक आपको जाना है, ऑल इंडिया रैंक अलग आती है, फिर स्टेट रैंक आती है। आप स्टेट में नवा रैंक है, ओबीसी गर्ल्स मेरी बेटी की फर्स्ट रैंक है। आपने हीरालाल जी के यहाँ से एक्सेल के 10th पास किया, 94% आए, फिर आप 11वीं 12वीं सीएलसी से किया, विद 12th आपका 90 का स्कोर आया, आपका स्कोर 578 आया, फिर आपने एक इंप्रूव किया 690 पे आए, सोने से एक दोस्त को भी आप अपने साथ SMS तक पहुंचा दिया, इसी तरह मधु उसको पहुंचा देंगे। और उसके बाद वंदना छोटी बच्ची, दावे से कह सकता हूं सुखदेव जी जो आज अपने आप को बहुत सामान्य से पिता समझ रहे हैं, आप तीन डॉक्टर बेटियों के पिता होंगे, ये मैं मान के चलता हूं कि दोस्तों हमने दुनिया देखी, इतना कुछ देखने के बाद लगता नहीं कि आदमी की बात की गलत निकल सकती है। तो बिल्कुल एक सामान्य परिवार, गांव का परिवार, प्रभु जान मेरे पास बैठे हैं, मेरे साथ आपके भाई दीपक जी बैठे हैं, पूरा परिवार साथ बैठा है। लाइव हम इसीलिए करते हैं, देखो बुआ जी बैठे हैं, बड़ी माँ बैठी हैं, मौसी बैठी है, बहन बैठी है, छोटे चुन्नू उन्नू देखो सब आगे बाहर घूम रहे थे, इन सबको बाहर डाला गया था कि तुम आवाज़ नहीं करो, अब इनको अंदर डाया गया है ना, तो इनके साथ इनको अच्छा लग रहा है। लाइव का प्रोग्राम था, अब इसको हम यहाँ समाप्ति को लेके जाए। अपील करना चाहूंगा सारे नीट और जे 2021 के स्टूडेंट से, उन स्टूडेंट से, जब भी आप घर पे हैं तो सीकर के मूव करें, सीएलसी आए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और दोस्तों जो अगले बच्चे हैं 2022 के सारे एडमिट स्टार्ट हो रहे हैं, सिक्स से लेके नहीं, केजी से लेके अप टू 12th, आईटी, मेडिकल, हिंदी इंग्लिश मीडियम के किसी भी बैच में आपको एडमिशन लेना है, विश्वास आपको करना होगा। मैं सबके लिए वो श्रवण हूं, जो श्रवण ज्योति के लिए है, जो श्रवण सुखदेव जी के लिए है, जो श्रवण प्रभुजाल के लिए है, जो श्रवण हीरालाल जी के लिए, मैं सबके लिए वो श्रवण हूं। आपको ज्योति बनना है, आपको प्रभुजाल बनना है, संस्था प्रधान साथ निवेदन दोस्तों, आप प्रॉपर जगह अपने बच्चों पहुंचाएं, निश्चित रूप से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। लोसल बैठा हूं तो मेरे सभी साथियों को भी, जो स्कूल संस्था संचालक है, सेकावट स्कूल के संचालक हमारे बड़े सर हो, चाहे सुमित्रा रेवड़ के हमारे रणवीर जी बिजारणिया हो, चाहे एक राजस्थान पब्लिक स्कूल के हमारे बिजारण जी हो, रघुवीर जी हो, इसके अलावा और कोई संस्था संचालक, यहाँ पर एक नया स्कूल खुला बाईपास पे, नाम क्या, विद्याश्रम के संचालक महोदय हो, मेरे सारे दोस्तों का मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने लोसल को बहुत अच्छा डेवलप किया। और उन सब के जो फाउंडर है वो हमारे बड़े सर है, बी एल रणवा सर बड़े सर है, अभी एक लड़का संजय रणवा सर जो हुआ था लास्ट ईयर, वो बड़े सर स्टूडेंट था, जो बीकानेर है, संजय रणवा टॉपर था भाई का, बाकी थे बड़े सर छोड़ के आए थे सीएलसी, वो लड़का भी 12th सेलेक्ट हुआ था और आज वो बीकानेर से डिग्री मतलब सेकंड ईयर में है। बड़े सर से मैंने कहा था भाई आना, लेकिन वो अजमेर है आज, और क्या है भाई श्रवण पहले हम दोनों तू बात करते हैं आपस में, भाई कितने और यार तू पहले कहते तो तुम आ जाते हो, तो वो कोई बात नहीं, बड़े सर आपकी अनुपस्थिति हमें थोड़ी खल रही है, आप होते तो और अच्छा लगता। हीरालाल जी भाई से बात हुई, भाई ने कहा थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो प्रभु जाल आ गया वहां, तो घर की बात मेरी छत तू आए मैंने कहा यूथ के शैल का प्रभु हुआ रहना, तो ये सब लोग रहे तो सब एक आज का लाइव बहुत शानदार रहा। वंदना कौन सी बच्ची है? वंदना बाहर होगी, चलो कोई बात नहीं, आ जाते तो ठीक है, शायद उसके उसके लगी हुई छोड़ो, नहीं आएगी, नहीं आएगी वो, मुझे पता नहीं आएगी, फोटो गलत आ जाएगी, वो सुखदेव जी नहीं आएगी, रहने दो, अब उसके लगी हुई है, मुझे पता है इस उम्र में आदमी सरब होता है, पर हम छोटे थे ना तो कई बार टांचा काट जाता था ना, मुंह सूज जाता था, घर से बाहर निकलते थे, आ जा कोई दिक्कत नहीं है, अरे कुछ नहीं है, आ जा लगी हुई है, आप ऐसे बेटा कैमरे होते आप कैमरे होते बेटा, चोट लगी है मेरी बेटी, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी चिंता मत कर, ज्योति की तो भी टॉप करेगी, फिर मैं आऊंगा चिंता मत कर तेरे को मान सम्मान करने के लिए। तो इसी के साथ लाइव को स्वाप करते हैं, आप बैठ सुनिए, आप बैठे, एक फोटो, एक बात इसकी है, ये बीमार रहती है थोड़ी, कुछ नहीं है बीमार, ज्योति को कहता हूं तो डॉक्टर बनेगी, एक तो पहला इलाज इसका, एक मैं प्रणाम करना चाहूंगा आपके एक परमहंस बाबा जी रहे, क्या नाम है, परमानंद जी, परमानंद जी को हम प्रणाम करेंगे, इस धरती को उनका यहाँ के लोग उनको लोक देवता, बिल्कुल परमहंस उपमा उनके पास,
उनको प्रणाम भी सब करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि बाबा परमानंद जी को प्रणाम करना चाहेंगे। दोस्तों ऐसे कुमार परिवार पे जो आपके बाबा जी मेहर है, वैसे मेहर सब परिवार पे रहे, पूरे डोसल पे रहे, पूरी मानव सेवा पे रहे, मानवता पे रहे। एक बात और करना चाहता दोस्तों, कोविड में जिन भी बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, वो बच्चों के लिए रहना खाना पढ़ाना सब कुछ सीएलसी दे रही है। ऐसे बच्चे कहीं आपको मिल जाए, आप सीएलसी भेजें, बिल्कुल सीएलसी आपका सहयोग करेगी। अनाउंसमेंट सीएलसी कर दिया और सीएलसी काम को फॉलो भी कर रही है। चार पांच बच्चे इस तरह के एडमिशन संस्था में ले चुके हैं। तो अब मैं इसी के साथ आज का लाइव पूरा करता हूं। दोस्तों हो सकता है आपके लाइव इंटरप्शन रहा होगा, तो हम इसको वीडियो शूट चल रहा हमारा क्यूपिंडू जी, तो हम इसको रीशूट भी रीलोड भी करेंगे और सही प्रॉपर चला हमारे जगदीश डिसाइड करेंगे। इसी के साथ आज का लाइव समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय जय सीएलसी, जय जय सीएलसी।